नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। फिलहाल 12 राज्यों में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,00,000 से अधिक है, जबकि 7 राज्यों में ये संख्या 50,000 से 1,00,000 के बीच है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 24 राज्यों में फिलहाल 15% से अधिक संक्रमण दर है और 9 राज्यों में इधर 5 से 15% के बीच है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जहां कोविड 19 के रोजाना मामलों में लगातार कमी आ रही है। मंत्रालय ने बताया कि बहरहाल कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा उन राज्यों में शामिल है जहाँ संक्रमण की दर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि जो लाभार्थी कोविड 19 टीके की दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण ने तबाही मचा रखी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के लगभग 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि लगभग 350 लोगों की मौत हुई है। वहीं 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 341 लोगों की जान चली गई। वहीं इतने ही समय में करीब करीब 80,000 टेस्ट भी किए गए हैं, जबकि 19,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इस डाटा के मुताबिक संक्रमण दर 24% है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 9,000 से ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही इस अवधि में 37,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। 800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 50,00,000 को पार करने वाले हैं। इनमें से 42,00,000 से ज्यादा ठीक हुए हैं, वहीं 6,54,000 अब भी संक्रमित है। प्रदेश में अब तक कोरोना के चलते 74,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में कोरोना संक्रमण के कारण रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। आलम यह है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में लोगों को दाह संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं हमीरपुर जिले में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां यमुना नदी में कई शव बहते दिखे हैं। कहा यह जा रहा है कि लोग शवों का अंतिम संस्कार जल प्रवाह से कर रहे हैं। यमुना नदी में कई शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की हकीकत जानने की कोशिश की। एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि मामला सामने आने के बाद इलाके के पुलिस अधिकारियों को वहां भेजा गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी ने देखा कि वहां कानपुर के बाहरी जिले से ट्रैक्टर में लाद कर 2 शव लाए गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि शवों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें जल प्रवाह किया गया है। एक शव अधजली अवस्था में भी मिला। ये शव कानपुर देहात की तरफ नदी किनारे पड़ा था। कानपुर बाहरी इलाके के अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन लोगों की मौत किस वजह से हुई है। कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिए दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इस कड़ी में उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट से 3 18 टन के ऑक्सीजन जनरेटर और 1,000 वेंटिलेटर के साथ दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान ने भारत के लिए उड़ान भर दी है। इसकी जानकारी खुद ब्रिटिश सरकार ने दी है। विदेश कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस ने कहा है कि एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने रात भर कड़ी मेहनत करते हुए विशालकाय एंटोनोव 124 विमान में जीवन रक्षक दवाइयां ला दी हैं। एफसीडीओ ने इसकी आपूर्ति के लिए फंड दिया है। इस मालवाहक विमान के रविवार सुबह 8 से 9 बजे तक दिल्ली पहुंचने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत में इंडियन रेडक्रॉस की मदद से यूके से आई इस आपूर्ति को अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। तीनों ऑक्सीजन जनरेटर में से प्रत्येक प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकता है। एक समय में 50 लोगों के उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान में इन उपकरणों को लादे जाने के दौरान उत्तरी आयरलैंड के हेल्थ मिनिस्टर रॉबिन स्वान बेलफास्ट एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यहीं से यह विमान भारत के लिए रवाना हुआ। रॉबिन स्वान ने कहा है कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत को हम हर संभव मदद और अपना समर्थन दें। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि भारत कोरोना वायरस महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से गुजर रहा है, जिससे परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और आपूर्ति की कमी है। ब्रिटेन उन देशों में से एक है जिन्हें संकट के दौरान अपने दोस्तों को समर्थन की पेशकश की है और लगातार कर रहा है। गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।